बीआरएस पार्टी अरकान असेंबली के एक वफद ने तेलंगाना असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद से मुलाकात की और कांग्रेस में शामिल होने वाले बीआरएस पार्टी के 10 अरकान असेंबली को असेंबली की रुकनियत से नाअहल करार देने की दरख्वास्त की। बीआरएस के कारगुजार सदर तारका रामा राव की क़ियादत में पार्टी के अरकान असेंबली ने स्पीकर से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त भी हवाले की। वफद ने कहा कि एक पार्टी के टिकट पर मुंतखब होकर दूसरी पार्टी में शामिल होने वाले अरकान को 3 माह के अंदर नाअहल करार देने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इस फैसले के तहत पार्टी इन्हराफ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की। इस मौके पर बीआरएस रुकन असेंबली सबिता इंदिरा रेड्डी और दूसरों ने प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की भी स्पीकर से शिकायत की। बीआरएस अरकान असेंबली ने स्पीकर प्रसाद कुमार से कहा कि उनके हल्के में होने वाले सरकारी प्रोग्राम में अहदेदार उन्हें प्रोटोकॉल नहीं दे रहे हैं और हुक्मरान जमात के शिकस्त खुर्दा कायदीन को सरकारी प्रोग्राम में मदु किया जा रहा है। इसी तरह बीआरएस के एमएलएस के साथ अहदेदार प्रोटोकॉल के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने स्पीकर से दरख्वास्त की कि वो इन मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ करें। स्पीकर से मुलाकात करने वालों में हरीश राव, सबिता इंदिरा रेड्डी, सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, पद्मराव गौड़, वी प्रशांत रेड्डी, माधवरम कृष्णाराव, राजशेखर रेड्डी, कालेरू वेंकटेश, मोटा गोपाल, एम गोपीनाथ, डॉक्टर संजय, विवेकानंद गौड़ और दीगर शामिल थे।